हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक हम लोग ने जो इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके बीच में जो बाउंड्री का बॉर्डर का जो इश्यूज था उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। दोस्तों, उसके बाद यूपीएससी सिलेबस अकॉर्डिंग जो हमारी टॉपिक आती है वो आती है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस टॉपिक को डिस्कशन करने से पहले आप टेररिज्म के बारे में क्या जानते हैं, मतलब टेररिज्म को कैसे आप डिफाइन करोगे? दोस्तों, टेररिज्म की डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे यूएन ने टेररिज्म को डिफाइन नहीं किया है अच्छे से, क्योंकि इंडिया का स्टेंस रहा है यहाँ पे कि टेररिज्म को यूएन में डिफाइन होना चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए, और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे ग्लोबल एक तरह से आर्मी टाइप के होनी चाहिए जो टेररिज्म को टैकल करे। ये इंडिया का यहाँ पे स्टेंस है। लेकिन यहाँ पे यूएन में टेररिज्म को डिफाइन अच्छे से नहीं किया है, क्योंकि यूएसए या अदर जो कंट्रीज है उसकी टेररिज्म के डिफिनेशन अलग है। क्योंकि टेररिज्म में के जनरलाइज आप व्यूज देखोगे तो टेररिज्म होती क्या है, तो टेररिज्म होती है दोस्तों क्रिमिनल एक्टिविटीज़ यदि होती है मास लेवल पर, यानी मास किलिंग होती है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, जिसमें से पब्लिक फियर को फैलाया जाता है। ठीक है, पब्लिक फियर को फैलाया जाता है और यहाँ पर गवर्नमेंट को पावरलेस शो किया जाता है। और जो टेररिज्म एक्टिविटीज होती है, जो ग्रुप अटैक करता है वो अपने आप को पावरफुल शो करता है, इस टाइप की एक्टिविटीज होती है उसको बोलते हैं टेररिज्म। जैसे मान लो यहाँ पे कोई टेररिज्म की अटैक होती है, तो अटैक होने के बाद यहाँ पे कोई एक ग्रुप होता है टेररिज्म का, ठीक है, जैसे लश्कर ए तैयबा हो गया, तालिबान हो गया, तो तालिबान यहाँ पे क्लेम करता है कि मैंने टेरर अटैक किया है और मैंने इतने लोगों को किल किया है। तो वो क्या दिखाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कम पावरफुल है। ठीक है, तो ये पब्लिक फियर फैलाना चाहता है। ये सारी एक्टिविटीज जब होती है तो ये टेररिज्म के अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मान लो यूएसए की आर्मी यदि अफगानिस्तान या अदर जगह पे किलिंग करती है तो वो भी इस डिफिनेशन के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि वो भी एक पब्लिक फियर फैलाना चाहती है और एक तरह से मास किलिंग वहाँ पर भी होता है तो वो भी टेररिज्म के अंतर्गत आता है। इसीलिए यूएन ने यहाँ पे टेररिज्म को अच्छे से डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगे, जो गवर्नमेंट लेवल पे भी करते हैं वो भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे। इसलिए अलग अलग गवर्नमेंट का अलग अलग डिफिनेशन यहाँ पे टेररिज्म को देखना है। लेकिन हम लोग अभी जनरलाइज करके टेररिज्म के डिफिनेशन को यहाँ पे कवर किए। अब दोस्तों, उसमें से टेररिज्म भी बहुत टाइप के टेररिज्म होती है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होती है, इंटरनल टेररिज्म होती है जैसे नक्सली होती है, उसके अलावा देखोगे तो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कैसे आप डिफाइन करोगे? देखो, यहाँ पे टेररिज्म का एक्सपोर्ट यदि नेबरिंग कंट्री दूसरे कंट्री में करती है उसको बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। यानी सिंपल यहाँ पे एग्जांपल यदि आप देखोगे तो इंडिया में टेररिज्म की एक्टिविटीज एक तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्टिविटीज होती है, क्योंकि जो यहाँ पे प्लानिंग की जाती है वो हमारी पाकिस्तान से की जाती है। पाकिस्तान में टेररिज्म की प्लानिंग की जाती है और इंडिया में अटैक किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे मुंबई में जो टेररिज्म अटैक हुआ था 2008 में, 26/11/2008, वो भी हमारी टेररिज्म एक्टिविटीज थी। किस टाइप की टेररिज्म एक्टिविटी थी? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्टिविटीज, क्योंकि इसका प्लानिंग आप देखोगे तो पाकिस्तान में किया गया था, नेबरिंग कंट्री में किया गया था, वहाँ से प्लानिंग करके इंडिया में अटैक किया गया था। इस टाइप के टेररिज्म एक्टिविटीज़ को बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ठीक है, तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा विक्टिम है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, और मेन जो सोर्स है इंडिया का जो टेररिज्म एक्टिविटीज होती है वो होती है पाकिस्तान, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। यहाँ पे अदर कंट्रीज़, बांग्लादेश से भी नहीं होता, नेपाल से भी नहीं होता, भूटान कहीं से भी नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान से यहाँ पे टेररिज्म की एक्टिविटीज़ इंडिया में अटैक होती है, और इसके चलते यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा इंडिया विक्टिम है। इसका रीजन यदि देखा जाए तो रीजन तो आप बोल से तो यहाँ पे डिस्प्यूट है एक तरह से, कश्मीर का डिस्प्यूट है। तो कश्मीर का डिस्प्यूट लेकर यहाँ पे आप बोल से तो फंडामेंटल जो यहाँ पे बिलीफ है वो एक तरह से अलाइन होता है पाकिस्तान से, और इसलिए यहाँ पे अटैक करता है। दूसरे यहाँ पे देख सकते हो कि जो देखो यहाँ पे रेड क्लिफ जो लाइन है वो तो हमारी वेल डिफाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, लेकिन एलएसी है, एलएसी यहाँ पे वेल डिफाइन नहीं है। यहाँ की टोपोग्राफी है इतनी बैड है टोपोग्राफी कि यहाँ पे आप फेंसिंग भी अच्छे से नहीं कर सकते। यहाँ पे पोरस बॉर्डर है, तो पोरस बॉर्डर एक रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अटैक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बॉर्डर उतनी अच्छी से वेल डिफाइन नहीं है, और डिफाइन भी है तो वहाँ पर मॉनिटर करना
उतना टफ होता है कि टेरेन वहाँ की अच्छी नहीं है। तो पोरस बॉर्डर से क्या होती है कि जो अदर साइड की जो पीपल हैं या टेररिज्म है वो ईजिली यहाँ पे घुस जाते हैं इंडिया में और यहाँ पे अटैक करते हैं। तो यहाँ पे पोरस बॉर्डर एक रीजन हो गया। दूसरा यहाँ पे रीजन है दोस्तों कि जैसे मान लो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होती है। ऐसा इसलिए जम्मू कश्मीर में होती है, एक तो वहाँ पे पोरस बॉर्डर है, दूसरा क्या है कि लोकल जो पीपल है वो भी हेल्प करते हैं टेररिज्म को, तो लोकल पीपल के सपोर्ट से टेररिज्म की एक्टिविटीज़ भी होती है। फिर यहाँ पे कुछ आपको देखने मिलेंगे करप्ट जो हमारी ऑफिशियल है ऑफिसर हैं, आर्मी के हो गए या ब्यूरोक्रेट हो गए या कोई भी करप्ट ऑफिसर हो गए, उनकी भी मिलीभगत होने से चलते क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्टिविटीज़ हमारी फैलती है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट करती है टेररिज्म को यहाँ पे अटैक कराने के लिए, सब कुछ यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करती है। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड भी यहाँ पे एक हेल्प करता है टेररिज्म क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को यहाँ पे बढ़ाने के लिए। तो क्या क्या रीज़न है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, एक तो यहाँ पे डिस्प्यूट है फंडामेंटल्स एक तरह से यहाँ पे जो थिंकिंग है उसके वजह से भी यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है। उसके अलावा पोरस बॉर्डर हमारी एक रीजन है, फिर यहाँ पे लोकल पीपल का सपोर्ट है, करप्ट ऑफिशियल हैं, इसके अलावा स्टेट का पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को अटैक करने के लिए। तीसरी रीजन है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की। अब बात करें दोस्तों इंडिया ने क्या क्या स्टेप यहाँ पे लिया हुआ है, उससे पहले देख लेते हैं अभी मेजर जो हमारी टेररिज्म के अटैक हुए हैं, टेररिस्ट अटैक हुए हैं इंडिया में। तो सबसे बड़ी अटैक जो हुई थी 26/11/2008 की मुंबई टेररिज्म अटैक, और इसके अलावा उरी इंसिडेंट भी हुई थी, पुलवामा अटैक भी हुई थी। ये हमारे रिसेंट कुछ हमारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अटैक का हमारा एग्जांपल है। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया ने क्या किया है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टी लेयर जो फेंस अलॉन्ग इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो हमारी यहाँ पे इंस्टॉल किया है, मल्टी लेयर लेजर फेंस, ठीक है, लेजर फेंस को इंस्टॉल किया गया है क्योंकि वहाँ पे रफ टेरेन है और वहाँ पे फेंसिंग करना उतना टफ होता है। तो यहाँ पे लेजर मल्टी लेयर लेजर फेंस इंस्टॉल किए गए हैं। दूसरा है यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्पेशली टेररिज्म को यहाँ पे टैकल करने के लिए NIA का गठन किया गया। IB हमारे यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी टेररिज्म अटैक कहाँ से प्लानिंग की जा रही है ये सब चीज़ें। रॉ हमारे पास है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो यहाँ पे अदर जो कंट्रीज हैं वहाँ पे भी जो चीज़ें हैं उसको मॉनिटर करती है रॉ। तो NIA, IB, रॉ ये हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं जो टेररिज्म अटैक को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हेल्प करते हैं। फिर इसके अलावा दोस्तों इंडिया पार्ट भी है FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म के लिए जो फाइनेंसिंग की जाती है उसको यहाँ पे मॉनिटर करती है। अभी आप देख सकते हो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है FATF के, तो इंडिया यहाँ पे पार्ट है FATF का इंटरनेशनल लेवल पर टेररिज्म को रोकने के लिए। फिर दोस्तों यहाँ पे नेशनल इंटेलिजेंट ग्रिड भी बनाए गए हैं इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। फिर हमारे पास NSG भी है, 2008 के बाद हमारे जो टेररिस्ट अटैक हुए थे उसके बाद यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बनाए गए हैं जो स्पेशल इनको ट्रेनिंग दी जाएगी टेररिज्म अटैक होगी तो वहाँ पे उसको टैकल करने के लिए। फिर यहाँ पे बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक भी हम लोगों ने इंडिया ने किया था प्री एम्प्टिव वहाँ पे जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो रही है उसको यहाँ पे हटाने के लिए। तो इस सारे यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए इंडिया ने बहुत सारे यहाँ पे स्टेप्स उगाए गए हैं उठाए हुए। तो ये रहा दोस्तों यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को। तो आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखे टेररिज्म के डेफिनेशन देखे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के डेफिनेशन देखे, और इंडिया के जो मेजर विक्टिम है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का वो पाकिस्तान मेजर सोर्स है, उसके लिए रीजन्स भी देखे क्यों हमारे यहाँ इंडिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ज़्यादा होती है, उसके अलावा इंडिया ने इसको टैकल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हुए हैं उसको भी हम लोग इस वीडियो में कवर किए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, थैंक यू।